लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हराम जादो कमीनो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। महेश भैया, शालू भाग जा, शालू। विशाल, मेरी बहन को छोड़ दो कमीनो, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। शालू, बात मत की, आगे चल मैं। तुम्हें महेश के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। अदालत को इस केस के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है, इसलिए वक्त न जाया करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने गवाह पेश करें। इंस्पेक्टर देसाई, आप अदालत को यह बताइए कि आपने मुलजिम को क्यों और कब गिरफ्तार किया? योर ऑनर, 14 जुलाई की रात कार्टर रोड पे मैंने अपनी आंखों से विशाल को महेश का खून करते देखा था और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह झूठ बोलता है, मैंने कोई खून नहीं किया। ऑर्डर, ऑर्डर, आप जा सकते। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं सोशल वर्कर मिस्टर चतुर्वेदी। मिस्टर चतुर्वेदी, आप मरहूम महेश श्रॉफ को जानते थे? जी हाँ, मैं शालू श्रॉफ को भी जानता हूं जिसकी वजह से यह खून हुआ। जज साहब, ये लड़की बहुत बदचलन है, इसे तो वेश्या कहना चाहिए। स्टॉप इट, इसे रोकिए जज साहब। ये कैरेक्टर असैसिनेशन है, किसी भी गवाह को एक इज्जतदार पुलिस ऑफिसर के खानदान पर कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर। कमिश्नर किरण शराफ, आप अदालत को कानून मत सिखाइए। अगर आप सच्चाई नहीं सुन सकते तो मेहरबानी करके या तो बाहर चले जाइए या फिर बैठ जाइए। बयान जारी रहे। संक्षेप में बात यह है जज साहब, भगवान मरने वाले की आत्मा को शांति दे। वो खुद अपनी बहन की दलाली खाता था। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा हरामजादे कुत्ते। ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब, महेश उस रात शालू को कहीं और ले जाना चाहता था। इस बात पर विशाल और महेश का झगड़ा हुआ। बिस्तर दो हो और लड़की एक तो खून तो होगा ही। कमीने मैं तुझे। ऑर्डर, ऑर्डर। आप जा सकते हैं। नमस्ते जय हिंद। योर ऑनर, अब मैं मिस शालू को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। मिस शालू, आपसे जो भी पूछा जाएगा उसका जवाब सिर्फ हां या ना में दीजिए। झगड़े के दौरान महेश के हाथ में चाकू था? नहीं। विशाल के हाथ में? विशाल ने चाकू सर। विशाल के हाथ में चाकू था या नहीं उसने? आप सिर्फ हां या ना में जवाब दीजिए। हाँ, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। ये कैसी अदालत है, गवाह को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे? ऑर्डर, ऑर्डर। क्या ऑर्डर, ऑर्डर? मुझे तो लगता है आप भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। आपको आखिरी वार्निंग दी जाती है मिस्टर विशाल, प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो मिस शालू, जब महेश पर विशाल ने हमला किया तो आपने उसे रोकने की कोशिश की? मैंने तो आपने कोशिश की होगी, आखिर मरहूम आपका भाई था। अच्छा, आप ये बताइए कि जब महेश को चाकू लगा तो क्या उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई? नहीं, नहीं, वो तो वहीं पर।
यानी हमला इतना जोरदार था कि महेश ने वही दम तोड़ दिया। योर ऑनर, अब शालू से बड़ा इस केस का चश्मदीद गवाह और कौन हो सकता है? जिसका भाई मरा है, उसने भी विशाल को महेश का खून करते देखा है। योर ऑनर, मैं शालू से कोई और सवाल नहीं पूछना चाहता, क्योंकि उनकी दिमागी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। दैट्स ऑल योर ऑनर। यह अदालत मुजरम विशाल को महेश शरॉफ के खून का मुजरम मानते हुए इसे दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। ये फैसला नहीं झूठ है, इंसाफ नहीं, धोखा किया गया है मेरे साथ। मेरे नाम के साथ मुजरिम जोड़कर तूने बहुत बड़ा जुर्म किया है धनंजय। आ गए दुश्मने हिंदुस्तान। अरे जरा रुकिए हुजूर, नजर तो उतार लेने दीजिए। हम अपराधियों के नए नेता, हमारे विजेता स्वागत है। विशाल की बर्बादी मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद। हम वो पहाड़ हैं जिससे टकरा कर आसमान भी पानी पानी हो जाता है। फिर विशाल जैसे पर मारने वाले परिंदे अगर हमसे टकराएंगे तो इसी तरह अपना सर फोड़ते रहेंगे। राजा ठाकुर, अब जब हम जज की कुर्सी पर बैठ ही गए हैं तो आपका हर दिन खुशियों का जलूस होगा और हर शाम जन्नत का नजारा होगा। आज की ये जन्नत आपके नाम मिस्टर धनंजय, विशाल की बर्बादी के मातम का ये जश्न हम लोग मिलकर मनाएंगे। चलो चलो। चुप हो जा शालू, चुप हो जा बेटी। मेरे गमों को इतना मत बढ़ा कि मैं उनके बोझ तले दब के रह जाऊं। तू तो रो के अपना दिल हल्का कर लेगी, लेकिन मैं किसके सामने रहूं? एक ही बेटा था, मेरा नाम मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर चला गया हो। अच्छा हुआ कि ये सब देखने से पहले तेरी मां चली गई, वरना मैं किस किस के आंसू पोंछता। डैडी, ओ डैडी। तू भी क्या किस्मत लेके आई है बेटी, क्या किस्मत लेके आई है। सारी खुशियां जैसे कोई एक तमाचा मारकर छीन के ले गया, और मैं बाप होते हुए भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं ऐसा मत कहिए डैडी, ऐसा मत कहिए प्लीज, ऐसा मत कहिए। चल बेटी, खाना खाते चल। सुन बेटे, अगर मेरे बस में होता ना तो तेरे प्यार की खातिर मैं खुद फांसी पर चढ़ जाता, लेकिन विशाल झूठ और करप्शन के ऐसे अंधेरे कुएं में ढकेल दिया गया है जहां से उसका बाहर आना नामुमकिन है। ना बेटे, खा ले बेटे। डैडी, विशाल को बचा लीजिए डैडी, उसे बचा लीजिए प्लीज, उसे बचा लीजिए डैडी, उसे बचा लीजिए प्लीज। ये ले खाना।
शालू नाराज हो मुझसे? तो फिर आंखें क्यों नहीं खोलती? तुम चले जाओगे इसलिए? नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। अब तो खोलो। एक छोटी सी मांग है मेरी, अगर वो पूरी करोगे तब आंखें खोलूंगी। अच्छा, बताओ क्या मांग है तुम्हारी? विशाल, 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 डैडी, डैडी, विशाल, डैडी, 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 डैडी। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। डैडी। रिवाज के मुताबिक मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। हम तुझसे ये पूछने आए हैं कि तेरी समाधि हम कहां बनाएं? बता दे बच्चे, बता दे, तेरी जिंदगी पर तो हमने मौत की मोहर लगा ही दी है। जिंदगी और मौत की मोहर तो ऊपर वाले के हाथ में है। तेरी फितरत उस कुत्ते जैसी है जो पहाड़ के साए में चलकर सोचता है कि उसने पहाड़ को अपनी पीठ पर उठा लिया है। तू यहां पड़ा पड़ा तड़प, हम तेरी मौत का जश्न मनाने जा रहे हैं। शेर अगर दलदल में फंस जाए तो परिंदे भी चोंच मारने चले आते हैं। हिजड़े की औलाद, हिम्मत है तो दरवाजा खोल। तेरी समाधि इसी जेल में ना बना दी तो मेरा नाम भी विशाल नहीं। विशाल बाबू, चीखने चिल्लाने से दरवाजा नहीं खुलता, गुस्सा करने से खून जलता है, और तुम्हें अपने जिस्म में उस वक्त तक खून की जरूरत है जब तक के ऊपर से बुलावा नहीं आता। जब तक सांस तब तक आ, इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है और जेल में मैं कायम हूं, क्या समझे? याद है मेरे पिताजी की मौत, यही है ना वो किताब? नहीं, नहीं, आइए 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 आइए, मैंने आपकी कोठी का ताला अपने मुंह की तरह खुला रखा है। नहीं समझे? खुला हुआ मुंह बहुत खतरनाक होता है, अगर किसी के सामने खुल गया तो आपकी हवा बंद हो जाएगी, इसे जल्दी से बंद कर दीजिए।
कैसे हो गया कुछ समझ भी ना आवे। कातिल की तलाश जारी है राजा ठाकुर, हमने पूरे एरिया की नाकाबंदी कर रखी है। सुना तो यकीन ही नहीं आया, कोई राजा ठाकुर के भाई का भी खून कर सकता है। अपने मौत से पहले ही चला गया बेचारा। कौन मुझे बड़ा भाई कहेगा? कौन किसको मैं विकी कहूंगा? है किसका काम है ये? किसने छीना है मेरे भाई को मुझसे? जवाब दो! किस काम के हो तुम और तुम्हारी फोर्स? किस लिए तुम्हारी सरकार? कहां मुंह छुपा लिया है इस शहर की पुलिस ने? कहां दफन कर दिया है कानून को? खून का बदला खून, मुझे मेरे भाई के कातिल की लाश चाहिए, नहीं तो मैं ये शहर पलट दूंगा, कत्लेआम कर दूंगा इस शहर के अंदर, सबको खत्म कर दूंगा।